जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जिस पर डिस्कस करेंगे। तो हाल ही की अभी प्रीलिम्स हुआ है हमारे पास। देखिए सेटे है, जैसा आपको पता होगा मैक्सिमम मार्क 200 मार्क होता है, तो टाइम भी रिकॉर्ड किया जाता है, 2 आवर का रहता है ड्यूरेशन। तो चलिए देखिए, जनरल स्टडी पेपर 1 है ये, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। और देखिए जो जीएस पेपर 2 रहता है वो बस क्वालिफिकेशन रहता है, 33% आपको लाना रहता है। और आपको मेंस के लिए आपको जो क्वालिफाई करेंगे आप जीएस पेपर 1 से ही आप क्वालिफाई करेंगे, इसके हिसाब से आपको जो क्वालिफाई करेंगे वो जाके मेंस देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीबीएसई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये 2023 का है, याद रखिएगा 2023। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। झेलम रिवर पासेस थ्रू ओला लेक, ना रिवर डायरेक्टली फीड्स ओला लेक एंड वेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कनवाल लेक। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन इज करेक्ट, ओनली टू, ओनली ऑल थ्री, नॉन ऑफ द अबव। जैसा आपको पता होना चाहिए ओला लेक झेलम लेक जो पास करता है ओला लेक थ्रू, ये राइट है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फिट टू कॉलोनी लेक, कॉलोनी लेक में कृष्णा रिवर नहीं आता है, गोदावरी रिवर आता है, तो आपको याद रखना है गोदावरी है, अब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। रिमेंडिंग ऑफ द गंडक रिवर इज द फॉर्म ऑफ कर्नाल लेक, द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली टू। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, पोर्ट की दिया है और वेल नोन अस मैं जाना था, इसलिए कमराजा पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी, मुंड्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेट ओन पोर्ट इन इंडिया, विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। हाउ मेनी ऑफ द एवन पेयर्स आर कॉर्डली मैच, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल 3 पेयर, नॉन ऑफ द पेयर। जैसे आपको पता होना चाहिए जो विशाखापट्टनम पोर्ट है ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है, जैसा आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है जो मुंबई का है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तो 3 नहीं सकता, नॉन ऑफ नहीं सकता। जो कमराज पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट है जो रजिस्टर्ड कंपनी से, जैसे ही है तो मुंद्रा पोर्ट जैसा पता होगा आपको गुजरात का है, ये लार्जेस्ट प्राइवेट ओन पोर्ट है, अडानी का पोर्ट है जैसा पता होगा आपको। इसका एड्रेस ऑप्शन बी है ओनली 2 पेयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कंसीडर द फॉलोइंग ट्री, जैक फ्रूट, एस्ट्रोटॉप ऑफ हेटरोफिलियस, महुआ, मधुआ इंडिका, पीक सेंटो ग्राउंड। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस टू ट्री, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नॉन ऑफ द अबव। देखिए हालांकि ये ऑप्शन के लिए कुछ नहीं डिफिकल्ट बन गया है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए जैक फ्रूट जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ना कि डेसिडियस फॉरेस्ट, आपको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए महुआ और डीक ये डेसिडियस फॉरेस्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 4 पे हुज ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द कांगो बेसिन, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सूडान एंड युगांडा। तो इसका राइट ऑप्शन ये है कैमरून का पार्ट है। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर द कॉन्फ्लक्स ऑफ द विंध्य एंड सह्याद्री रेंज, बिलिग्रियन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ईस्ट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज एंड संचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट नहीं है, ईस्टर्न घाट है, आप उसको इलिमिनेट कर सकते हैं, रॉन्ग है। देखिए जो अमरकंटक हिल्स है ये विंध्या सह्याद्री का नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आप विंध्या एंड सतपुरा का है ये। और देखिए ये पूछा जो बिलिग्रियन जो हिल्स है कॉन्स्टिट्यूट करता है ईस्टर्न मोस्ट ऑफ सतपुरा रेंज, पूछे बोल रहा है, तो सतपुरा नहीं है, ये मेकाल रेंज है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं।
इसका राइट आंसर डी है, नो ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, विथ रेफरेंस टू इंडिया जो प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर द गोल्डन कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड डिब्रूगढ़ एंड सूरत, ये सूरत नहीं है, ये गुजरात थोड़ा ऊपर के पड़े, थोड़ा सेंट्रल में आ जा रहा है, बिहार नहीं है। तो ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड चियांग चिंगामाई इन थाईलैंड, द बांग्लादेश इन चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट बनारस इन उत्तर प्रदेश एंड कुमिंग इन चाइना, ये बनारसी नहीं है, कोलकाता है, आप इसको एडमिट कर सकते थे। और देखिए यहाँ पे जो मणिपुर का एंड चंगमाई जो थाईलैंड का बता रहा है, जो आप ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, मेसांग है ये, तो ये भी रॉन्ग है, करेक्ट ऑप्शन डी है, नॉन है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है, इंडिया डिस्पाइट द हैविंग यूरेनियम डिप्लीट डिपेंड ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यूरेनियम इंडिच जैसा ये पहला स्टेटमेंट, यूरेनियम इज एक्सटेंड एटलीस्ट 60% ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं चाहिए इतना, इतना तो मतलब आपको न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए रिक्वायर्ड चाहिए 60% के लिए। तो देखिए फर्स्ट इज करेक्ट, देन सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिटी ग्रुप दैट डेवलप्ड ग्लोबल इनिशिएटिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंटरनेशनल आईयूसीएन का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, Which of the following perform the Weigel dance for over their kings indicate the direction and the distance of the source of their food, butterfly, dragonflies, honeybee and wasps, so the right answer is honeybee madhumakhi. So the question number 16 pe, consider the following statement, the some mushroom have medical property, some mushroom have physiological property, some mushroom have insecticidal properties, so mushroom have bioluminescent property, this right is option number D, all four hai. So the question number 17 pe, consider the following statement regarding the Indian squirrel, they build nests by making of burrow on the ground, so the ground bhi banate hai, ped ke upar banate hai, so aap isse limit kar sakte the, they store their food material like in nuts and seeds in the ground, they are omnivorous, राइट आंसर ओनली टू राइट आंसर इसका। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेंपरेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेंपरेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाई एसिडिक एनवायरनमेंट विद द पीएच बिलो 3 डिग्री, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नॉन ऑफ द, राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विथ स्टेक ऑफ द लिफ्टिंग एंड स्टोवर ट्री ऑफ लोड विट, सो और नागोटो ने इसका राइट आंसर, कंसीडर द फॉलोइंग, द एरोसोल्स होम एजेंट fire retardant and lubricant, in making of the how many of the above the hydrofluorocarbon used, इसमें कौन सा यूज होता है पूछ रहा है आपको, इसका राइट आंसर है ये चारों ही होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नंबर 1 क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल, ये रॉन्ग है, टैक्स आपको देना पड़ता है, ऐसा कुछ असल प्रोविजन नहीं है। स्टेटमेंट टू क्या बना है, द इन्वेस्ट आर रिकॉग्नाइज ए ब्रोवर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, तो राइट है ये, तो उसका राइट आंसर देखिए वन इज इनकरेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे,
consider the following statement. Statement क्या बोला था? In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out the interest rate hike. The central banks generally assume that they have been ability to contract the rising consumer price by monetary policy means. Right है? The right is option number A. Post statement is correct. And second is correct explanation of the लगा है. Then the question number 23rd पे. Consider the following statement. Statement क्या बोल रहा था कि carbon market likely to be one of the most widespread tools in the fight against the climate change. Statement क्या बोल रहा है? Carbon market transport resource from private sector to state. तो ये सही है. The correct answer है. Both statement is correct है. But ये second one जो पहला का correct explanation नहीं है. तो correct answer option नहीं है. Both statement 1 and 2 is correct. The statement second is are not correct explanation for statement 1. Then the question number 24 पे. Which one of the following activity Reserve Bank of India is considered to be a part of sterilization, control of open market operation, oversight settlement payment system, debt and cash management of central and state government, and regulation of function of banking financial institution? Correct answer is control of open market operation. Then the right answer. Then the question 25 is consider the following market: government bond market, call money, treasury bill, and stock market. How many of are included in capital market? कौन सा capital market की under में आते हैं ये पूछ रहे हैं। तो देखिए इसमें government bond market तो है, stock market है, call money treasury bill ये नहीं है। तो इसका right answer option B है, only 2। तो देखो question number 26 पे, which of the following best describes the concept of small farmers large field? The resettlement of a large number of the peoples unprotected from their countries due to war by giving a large cultivable land where they cultivated collectively their the produce. So many marginal farmers in the area organized themselves into a group and supervised the harmonized selected agricultural cooperation. So ye right hai bhai, Odisha se related tha, news mein tha. The many farmers in the area are together make a contract in a cooperative body and surrendered their lands in a cooperative body for the fixed term for which cooperative body makes a payment of agreed amount of to farmers. So ye wrong hai. A company extends loan, technical knowledge and materials inputs. The number of the small farmers in area so they produce the agricultural commodity and required by the company for the manufacturing processes and commercial production. So that is option number B hai. Then the question number 27 pe. Consider the following statement. The government of India provides the minimum support price for Niger Bujatia's ABC car seeds. The Niger is a cultivated kharif crop. The some tribal people in India are used Niger seeds oil for cooking. So the correct option number C hai. All three is correct iska. Then the question number 28 pe. Consider the investment in the following asset: plant and equipment, inventory, intellectual property, mailing list of client. How many of the consider as the intangible investment पूछ रहा है? जैसे आपको पता नहीं intangible मतलब आप जो छू नहीं सकते, जैसे कि इसमें देखिए brand recognition है, inventory है, intellectual property है, लेकिन ये mailing of list client ये नहीं है, इसका right answer option number C है, only 3. चलते question number 29 पे. Consider the following: the demographic preference, forest ecology, governance reform, stable government and tax fiscal effort. For the original tax devolution, the 15th Finance Commission used for many of the above criteria other than the population area in income distance. Option dekh lijiye, only 2, only 3, only 4, all 5. So dekhiye isme jo demographic preference tha isko hum finance commission ke 15th finance commission ke report ke sath dekh rahe hain. This ye tha, forest ecology bhi tha. देखिए इसमें गवर्नेंस रिफॉर्म ये नहीं था, ये हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. स्टेबल गवर्नमेंट ये भी नहीं है, एंड टैक्स एंड फिस्कल रिपोर्ट है ये भी है. उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 3. देन द क्वेश्चन नंबर 30 पे, consider the following infrastructure sector: affordable housing, mass rapid transport, health care, renewable energy. ये पूछ रहा है on the how many of the above does UN
OPIs, Sustainable Investment Infrastructure and Innovation, initiative focus on the investment, this is related to the affordable housing, health care and renewable energy, mass rapid transport नहीं रही, उसका भी correct है, तो इसका right answer option C है, only 3, then question number 31 पे, in the essence of, what does the due process of law means, क्या है, principle of national justice, the producer stabilized by law, fair application of law, then equality before law, right answer option C है, fair application of law, then the question number 32 पे, consider the following statement. Number one, क्या बोल रहे थे? In India, the prisons are managed by state government with their own rules and regulation for the day-to-day administration of prisons. Number two, क्या बोला? In India, the prisons are governed by the Prisons Act 1894, where expressly kept on the subject of prison in the control of provincial government. तो इसका right answer देखिए, both statement is correct है इसका, and second one is correct expression of A है. क्वेश्चन नंबर 33 पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इट डिटरमाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग नेसेसरी लॉ इट एनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड ए गवर्नमेंट इट डिफेंड ए लिमिट पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इट सिक्योर सोशल जस्टिस एंड सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी बच्ची है डिफाइन करता है लिमिटेड पावर ऑफ गवर्नमेंट को क्वेश्चन नंबर 34 पे In India, which of the following statements is constitutionally irrelevant was widely believed to be inherent to the overcome of judicial interpretation of the fundamental rights? The right is 1 Amendment, 42nd, 44th, and 86th. The right is also one Amendment Act. Question 35 चलते हैं. Constitute of the following organization bodies in India. इसमें पूछ रहा है देखिए कौन सा constitutional body है पूछ रहा है आपको याद रखना है. देखिए इसमें National Commission for Backward Classes तो ये है. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये नहीं है तो आप इसको आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे आप जैसे कि आपको पता ना चाहिए नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास कितना आर्टिकल आप कौन सी दे दीजिए जैसे कि पता ना चाहिए आपको आर्टिकल नंबर 338 का था इसका देखिए जो आपका सेकंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो देख रहे हैं आप ये बना था ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में बना है जैसे आपको पता ना चाहिए देखिए नेशनल लॉ कमीशन इन अदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूट बॉडी है तो नेशनल कमीशन ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डलेस कमीशन ये भी नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन ये क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है देखिए इफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल एक्ट डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी ऑफ हिज और हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन become invalid वैसा कुछ नहीं है ऐसा अब लॉजिक लगा सकते हैं द इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन रिजर्व एंड इलेक्शन ऑफ येट टू बी टेक प्लेस ऐसा कभी नहीं होता इतना बड़ा इंडिया में कभी ना कभी चलता रहता है ऐसा करें तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे कर सकते हैं आप व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम लिमिट ऑफ दिस इज हाउ डिक्लेयर एसेंट तो ऐसा कुछ टाइम फ्रेम भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेकंड आंसर ऑप्शन डी है चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन इंडियन प्राइवेट क्वेश्चन का पॉलिसी है पहला क्वेश्चन क्या बोला When a Lok Sabha transmits a finance bill to Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. ऐसा कुछ नहीं है. Amend or reject नहीं कर सकते उसको. When the Lok Sabha transmits the money bill, the Rajya Sabha cannot be amend or reject. It can only make recommendation दे सकता है. ऐसा ही है. ये recommendation दे सकता था. In case of the disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting of money bill, but a joint sitting necessary for finance bill. तो ये भी wrong है. उसका राइट ऑप्शन नंबर ए है ओनली वन चलते क्वेश्चन नंबर 38 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व द चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम ऑफ द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द सच फॉरेस्ट तो ये होता है द हंटिंग ऑफ नॉट अलाउड इन द सच एरिया सही है आप हंटिंग नहीं कर सकते द पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं अलाउड नहीं है नॉट अलाउड
पीपल ऑफ द सर्च एरिया आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते वहां पे, उसका राइट ऑप्शन नंबर बी है ओनली टू। मतलब क्वेश्चन नंबर 39 पे, विद रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विद इन द स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ द एन एरिया इन शेड्यूल एरिया टेकन प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, सही है। द लार्जेस्ट अमेंडमेंट, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट क्लस्टर इन द विलेज ऑफ ब्लॉक, सही है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट रिक्वायर्ड टू द सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड शेड्यूल एरिया स्टेट, ऐसा कहीं नहीं है। आपको गवर्नर भेजेंगे रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को, दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर बी है ओनली टू। चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सेम जजमेंट इन द रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसीज आर मेड अंडर आर्टिकल नंबर 16 सर्कुलर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल नंबर 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है देखिए, इसमें आर्टिकल नंबर 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन किया बोल रहा है द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, डिफाइन नहीं किया गया, रॉन्ग है ये, डिफाइन नहीं किया ये, तो उसका राइट आंसर आप दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी है, स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज द धन्या कटका व्हिच प्रोड्यूस्ड इन प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स अंडर द महासंघीज कास्ट, लोकेटेड इन आंध्रा, गंधारा, कलिंग एंड मगध, सराइट से आंध्रा है। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे, With reference to ancient India, consider the following statement. क्या बोला ऑप्शन देख लीजिए आप, द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्तूपा इन बुद्धिस्ट ओरिजिन, द स्तूपा वाज जनरली रिपोजिटरी रिलीफ, स्तूपा वाज द मोटिव्स एंड कॉमेमोरेट स्ट्रक्चर ऑफ बुद्ध क्रिएशन, तो ये सही है दोनों, ये सिर्फ बुद्धिस्ट ओरिजिन में ही है, इसमें जैन निजम है और पहले से एग्जिस्ट करता था, तो आप उसको रॉन्ग कर सकते हैं, राइट ऑप्शन नंबर बी है ओनली टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडिया द कोरकाई फूमपहार एंड मुचिरी वेयर नोन एज कैपिटल सिटीज पोर्ट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग एंड सेरिंग ऑफ जैन तीर्थंकर, राइट ऑप्शन बी है रिपोर्ट से। चलते क्वेश्चन नंबर 44 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन करा बोला है द प्रैक्टिस ऑफ भेटक रिचुअल्स अस द मेंशन इन संगम पॉइंट, द किंग इम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, द लर्न पर्सन्स असेंबलिंग इन द रॉयल कोर्ट टू डिस्कस द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स, यंग गर्ल कीपिंग वॉच ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स इन एनिमल, ए किंग डिफीटेड इन द बैटल्स कमिटिंग ए रिचुअल्स सुसाइडेड बाय स्टैबिंग हिमसेल्फ टू डेथ, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो क्या करता था जब किंग जब कोई बेटर हार जाता था तो वो क्या करता था, भूखे रह के वो रिसर्च करते थे, वो अपने प्राण त्याग करते थे। चलते क्वेश्चन नंबर 45 पे, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज होयसाला गदावाला काकटिया एंड यादव, इन हाउ मेनी ऑफ द डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन द अर्लियर 8th सेंचुरी एडी, तो ये चारों ये देखिए नहीं है इसमें, अलियर कोई नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 46 पे, विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, देखिए ये लिटरेरी वर्क दिया गया, ऑथर का नाम दिया गया है, देवी चंद्र गुप्ता, बिली हाना, इसकी ये बिली आंसर विषाद दत्त है इसमें, तो आप उसको रॉन्ग कर सकते हैं, ये रॉन्ग है, द हमीरारा महाकाव्य नजेंद्र सूरी थे, सही थे, मिलंदा पुना नागार्जुना थे, ये नागेश सेना थे, नागेशन, तो ये भी रॉन्ग है। देखिए नितिका भाई मित्रा, जिसको हम तोमादेवा सूरी थे इसको रिलेटेड, देखिए 1, 2 एंड 4 इज राइट, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर था ओनली टू। ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन रहता है, देखिए थोड़ा हार, अगर आप पता है तो बताए, अगर नहीं पता हुआ आप उसको इसी कर सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन देखिए
जो भी डिफिकल्ट कर रहा है ये मतलब ऑप्शन से दे रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे देखिए, सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ बट ऑल्सो रॉक्स रनिंग वाटर मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्टेड नॉट लुक अस ए लिविंग बाय अदर रिलीजियस एक्ट द एबव स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट वन ऑफ द कोर बिलीफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स रिलीजियस एक्ट इन एंशिएंट इंडिया बुद्धिज्म जैनिज्म सिविज्म एंड डिसनिज्म उसका राइट आंसर नंबर बी है जैनिज्म सिविज्म है। ये क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग्स द रूल्स एंड विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्ट ए लार्ज डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर एंड एंड कैनल कॉम्ब एडुकेटेड सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फॉर रिवर्स टू द कैपिटल सिटी देवा राय मल्लिकार्जुन भीरा विजय एंड वीरूपक्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देवा राय वन है। Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered to Dravidian Empire and Portuguese? Option A Ahmad Shah, Muhammad Begrat, Bahadur Shah, and Muhammad Shah. Right option number C is Bahadur Shah. This question is 50. क्या बोल रहे हैं? By whose of the following act was the Governor General of Bengal is designated as the Governor General of India हो गया था? बात पूछ रहा है Regulating Act, British India Act, the Charter Act of 1793 and Charter Act of 1833. तो ये previous question देखिए repeat हुआ है। इसलिए मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का इंपोर्टेंस ज्यादा रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है आपको। इसलिए मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए आपको। इसलिए क्या आप कमिश्नर का माइंडसेट जान सकते हो किस टाइम में रिपीटिंग आता है। देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या हो रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना से पूछ रहा है। इट इज द सेफ एंड मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट्स हेल्थ डिपार्टमेंट, तो स्टेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द मेटरनल मोर्टेलिटी एंड अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ये सही है। इट्स एम टू प्रमोट द इंस्टेंशन ऑफ डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड द प्रोवाइड द पब्लिक हेल्थ एंड सिक इन्फेंट अप टू वन ईयर, तो ये रॉन्ग है। इसके लिए अलग स्कीम है आपको पता होना चाहिए, शिशु सुरक्षा योजना है। तो उसका राइट आंसर है ओनली टू, उसका राइट आप उसका याद रखिएगा वन एंड थ्री इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरवेंशन इन अंडरटेकिंग अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, क्या पूछा है। इट प्रोवाइड द ट्रिप्टोफैनेट कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर द प्री स्कूल चिल्ड्रन एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ये कैल्शियम नहीं है इसमें आयरन है, अब इसको एलिमिनेट कर सकते थे। इट रन ए कैंपेन फॉर डिले एंड कोल्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, सही है। इट प्रोवाइड फॉर पीरियडिक डी वार्निंग टू चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स। इट एड्रेस द नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस फॉर एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया होमोग्लोबिनोपैथीसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस, इसका राइट ऑप्शन नंबर थ्री है ओनली थ्री, पहला इसे करेक्ट ये करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे consider the following statement, the carbon fibers are used in the manufactures of components used in automobiles and aircraft. Carbon fibers once used cannot be recycled, kaise recycle ho sakta hai recycle, to iska right answer number a only one. Jaldi question number 54 pe consider the following statement, action the detection of a car and crash and collision which resulted into a development of एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली तुरंत बन जाता होता है। द डिटेक्शन ऑफ द एक्सीडेंटल फ्री फायर ऑफ ए लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड व्हिच रिजल्ट इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ टू हार्ड ड्राइव। द डिटेक्शन एंड टाइटल ऑफ द स्मार्टफोन्स व्हिच रिजल्ट इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड, सही है। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इन फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर रिक्वायर्ड, एक्सीलरोमीटर कौन सा रिक्वायर्ड चाहिए बोल रहा है। रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनरिटेंड फिश फीड, द बायोफिल्टर्स कन्वर्ट एमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज द न्यूट्रिएंट ऑफ ए फिश इन वाटर, तो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो सबके लिए तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, तो ये डिक्रीज होगा इनके लिए। अब लिमिट कर सकते हैं इसको,
डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, 192 करेक्ट है। चलते क्वेश्चन नंबर 56 पे, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स द ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहे हैं, केपी हाइट्स क्या बोल रहा है, ये जेंट क्लाउड डस्ट एंड गैस इन स्पेस नेबुला का है, रॉन्ग है। देखिए केपी हाइट्स क्या है, स्टार व्हिच द ब्राइटेंस एंड द डिम्स पीरियडिकली, तो उसको इंटरचेंज कर दिया है, तो इसका ये है, अब देख लेते हैं सही है। द पल्सर्स क्या है, न्यूट्रॉन स्टार दैट आर द फॉर्म व्हेन द मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ ए फ्यूल एंड कोलैप्स, तो इसका राइट आंसर 3 राइट है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इसके पूछा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल एंड जापान, तो राइट आंसर जापान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे, कंसीडर द फॉलोइंग, ए बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू देयर हाइट, फ्लाइट उसका, दे क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट फ्लाउट ओनली इन द इनिशियल फ्लाइट, तो आप इसको देख सकते हैं, अगर ये ओनली के लिए अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो जान लीजिएगा कि वो एक्सट्रीमली वो स्टेटमेंट है, तो ये रॉन्ग है। तो अग्नि 5 इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल, मीडियम रेंज नहीं है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, आपको पता होना चाहिए। एंड ब्रह्मोस इज द सॉइल फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसका राइट आंसर दोनों ही इनकरेक्ट है, नदर वन नॉट टू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मर्करी पोल्यूशन, द गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कॉज मर्करी पोल्यूशन, देयर इज नोन एज अ सेफ लेवल ऑफ एक्सप्लोशन ऑफ मर्करी, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नॉन सेटिस्फाइड, ऑल 3 है। चलते क्वेश्चन नंबर 60 पे, विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इट कैन बी ब्लेंडेड विद ए नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट ऑफ पावर जनरेशन, इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल टू रन ए व्हीकल, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नॉन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3 है। चलते क्वेश्चन नंबर 61 पे, देखिए क्वेश्चन सिटी वन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बुल्गेरिया, ग्रीस रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया एंड रोमानिया, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज आर लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन, यूक्रेन के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, देखिए बुल्गेरिया करता है, हंगरी करता है, उसका ग्रीस रिपब्लिक नहीं करता, लातविया नहीं करता, लोनिया नहीं करता, तो दो, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ओनली 2, सॉरी नंबर ए इसका राइट आंसर है ओनली 2। चलते क्वेश्चन नंबर 62 पे, with reference to earth atmosphere which of the following statement is correct, total amount of insulation received at the equator is roughly about 10 times of the received at pole, infrared rays constitute roughly 2/3 of insulation, option c kya bol raha hai, infrared are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, infrared waves are a part of visible spectrum of electromagnetic waves of solar radiation, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, देखिए सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, ये रॉन्ग है, द हाई टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द सॉइल टू डीकंपोज क्विकली, ये सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, देखिए द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर्स देन विंटर, तो ये रॉन्ग है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस, ये सही है, तो देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है इसका।
चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए सिस्मिक सिस्मोग्राफ टी वेव्स रिकॉर्ड अर्लियर देन एस वेव्स द पी वेव्स इंडिविजुअल प्रैक्टिकल वाइब्रेंट एंड सो फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोपगेशन व्हेयरएज इन एस वेव्स पार्टिकल्स वाइब्रेट ऑफ and down at the right angle to the direction of the wave propagation. Which of the following statements are correct? One only two only both one into neither one or two. That is option number C as well. Both one into. Then the question number 66 pe. With reference to coal based thermal power plant in India, consider the following statement. None of them use of sea waters. Aisa kahin nahi hai, kaise kahin ho sakta hai? None of them set up in the water states district. Aisa bhi nahi hai. None of them is private owned, ऐसा भी नहीं है। How many of statement is correct? None इसका, correct number। चलते question number 67 पे। Ulvachia method is sometimes talk about the reference to which of the following? The controlling the viral disease spread of mosquito, the commencing crop residue pickup material, producing biodegradable plastic, producing bacteria from thermal केमिकल कंडक्शन ऑफ बायोमास। तो सर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि कंट्रोल करेगा क्या वैरायटी जो स्प्रेड होता है मॉस्किटो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी द स्प्रेडिंग ऑफ फाइनली ग्राउंड रिजल्ट ऑफ फार्मलैंड एक्सटेंसिवली द इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू द एबंडेंट सब्सिडरेंट माइन in the form of carbonate water. How many of the above activity option consider and discuss the carbon capture and sequestration? The correct answer is option C, all three is correct. That's the question number 69. The question 69 क्या बोला देखें? Aerial metagenome. Let's refer to the best which of the following situation? Is it written? Pooja aapse. So collecting DNA samples from ER in the habitat at one go. Understanding the genetic makeup and avian species at the habitat. Using airborne devices to collect the blood samples from moving to animals and sending the drones to in accessible areas to collect plants and animals. Samples from the land surface and water body. Correct answer is option number A. Collect karega DNA sample to ER habitat se. Next question number 70 pe. Microsatellite DNA is used to in case of which of the following? Studying a evolutionary relationship among the various species of fauna. Thus stimulating the stem cells into the transfer into the diverse fusilla tissue. Promoting clonal propagation of horticultural plants, asserting the efficiency of a drug by the conducting the series of drug trials in a population. So, correct answer option number A. Study करेगा रेसिपी जैसी among the various species of fauna. तो पता होगा fauna मतलब कोई प्राणी होता है. चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे. Consider the following statement refers to India. According to Macro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. The medium enterprises are those with investment in the plant and machinery between 50 crore to 25 crore. How long is 50 crore? So all banks loans are for micro, small, medium enterprises and qualify under the priority sector BCA. That's why we need to make it. Option number B is right answer. That's the question number 72. Pe. With reference to central bank's digital currency, what is the policy statement? It is possible to make payment. In a digital currency without the using US dollar or fiat system for the price. A digital currency can have distributed condition program to program into a such a time frame of first training for the price. Which of the following statements are correct? So both 1 and 2 is correct. That is question number 73 pe. In the context of the term beta refers to the process of simultaneous buying and selling of an asset from different platform. An
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ ए पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवार्ड ए टाइप ऑफ सिस्टम रिस्क दैट अराइज ऑफ परफेक्ट हेजिंग इनटू नॉट पॉसिबल सो लिवरिंग वैल्यू ऑफ ए मेजर द फ्लक्चुएशन ऑफ ए स्टॉक एंड एक्सचेंज इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट इसका आंसर तो बी है मतलब क्वेश्चन नंबर 74 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सेल्फ हेल्प ग्रुप program was originally initiated by the State Bank of India by providing the microcredit to the financially deprived. So ye SBI nikala nahi tha isko NABARD nikala tha. So isko yaad rakhiyega ye wrong hai. In the SHG, all members of the group take responsibility of a loan that an individual member takes. So ye the registered rural bank, rural commercial banks support SHG. So ye how many statements are correct? Correct. So correct answer hoga only 2. Option B is right answer. क्वेश्चन नंबर 75 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोला है इंडियास प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्ज बिकॉज ऑफ क्यूरेटिव केयर विद द लिमिटेड प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर टू क्या बोला है अंडर द इंडियास डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट आर प्राइमली रिस्पांसिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेस बहुत स्टेटमेंट सही है इसका बट सेकंड वाला नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोला था अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 इंडिया हैज गॉट मोर देन क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रैंड वाटर विड्रॉल ईच ईयर इंडिया सीक्स टू एक्सट्रैक्ट मोर क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्रैंड वाटर ईच ईयर डिसाइड द ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन नीड ऑलमोस्ट 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लैंग इट ठीक है सिर्फ ये बोल रहा है मतलब ड्रिंकिंग वाटर सिटीजन के लिए बोल रहा है ये रॉन्ग है पहला करेक्ट है तो थर्ड इज ऑप्शन बची है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट इनकरेक्ट तो ये क्वेश्चन नंबर 77 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट इन इंटरनल डेटमेंट ये सही है ये आर्टिकल नंबर 335 में मेंशन है The Constitution of India exempts the state from providing the legal counsel to a person being held for preventive detention. So here, wrong. According to the Prevention of the Terrorism Act 2002, the content of the accused before the police cannot be used as evidence. So can evidence be used for the fact? Here, wrong. Second answer A is one only. Then the question number 78. Which one of the following countries? Been suffering from the decade of the civil war and food shortage was in news recently for its very sharp famine. Angola, Costa Rica, Ecuador, and Somalia. The third is the Somali, Somalia. Then the question 79. Consider the following statement: India is in India. The biodiversity management committee are key to realization of the objective of Nagoya Protocol. The Biodiversity Management Committee have important function determining the assets and benefits sharing, including the powers of benefit relation case on assets of biological resources within its jurisdiction. Which of the following statements are correct? So the right answer is C. Both 1 and 2. So the question number 80. Consider the following statement respect of election of President of India. The member of the United of either House of Parliament or a legislative assembly of a state are eligible included of electoral college limited member is nahi aate hain to abhi aa gaya hum log aap nahi kar sakte to main so higher of number of elective assembly seat are higher in the value of the vote of each mla we is karunga the value of vote of each mla madhya pradesh greater than kerala kerala ka hai ye karunga the value vote of each mla is puducherry is higher than the arunachal pradesh because of the ratio of the total population of number of elective seat in the Puducherry is greater than as compared to Arunachal Pradesh. So, ये right है. तो आप ऑप्शन देख लीजिए. तो इसका right answer है only 1. ये इस right answer. तो the reference to the Indian history, Alexander Rees, A.H. Lombrust, Robert Schuel, James Burgess, and Walter Elliot was associated with. Also, it is an exhibition, establishment of English place in colonial India,
establishment of the church in the Francis state, construction of a railway in colonial India. The correct answer number A है, ये archaeological excavation के related है. तब देखो question number 82 पे. Question number following class, guys, the golden for. This नगर देखिए, civil scape serene है. तो civil से नहीं है ये, सब limit कर सकते हैं. ये भंजरा तो बुद्धिस्ट scape था जैसे ये. सीता नवल जो जैन scape serene है. तो हमने currently मैच पूछ रहे हैं तो only 2 is right answer. तब देखो question number 83 पे. क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 के बारे में 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे फॉर क्या स्टेटमेंट 2 क्या बोला इट वाज इन 1905 1905 में बोल रहा है तो स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन द सेम डे इन रेफरेंस टू योर करेक्ट हो रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है क्वेश्चन 1 एंड 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 तो द क्वेश्चन नंबर 84 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रेस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 स्टेटमेंट 1 क्या बोला देखिए वन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 300 mm इनटू 400 mm तो स्टेटमेंट 2 क्या बोला द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट विद द फ्लैग शैल बी 3:2 तो देखिए पहला का रॉन्ग है और सेकंड का राइट है तो स्टेटमेंट सो डी इज राइट आंसर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे स्टेटमेंट 1 के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमंग द सिटीजन प्लस 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप फ्रॉम ग्राफिक कमिटी सेट अप किया गया है सेटअप किया गया था अंडर द चैंपियनशिप डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर टू प्रिपेयर ग्राफिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज सॉरी सेकंड 1 इज is correct and second is incorrect so matlab c hoga this is right sir chalte question number 86 question of the question statement one ke bare mein switzerland is one of the leading exporter of gold in term of value ye second kya bole switzerland has the second largest gold reserve in the world so ye wrong hai so sir right answer hai statement 1 is correct but statement second is incorrect chalte question number 87 pe कॉन्सिडर द फॉरेस्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 के बारे में रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च अ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल दिस स्टेटमेंट सेम के बारे में यूएसए एंड यूरोप क्लेम दैट थ्रू दे हैव ट्राइंग टू गेन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल ये रॉन्ग है ये तो कुछ नहीं स्टेटमेंट है पहला इसका करेक्ट स्टेटमेंट 1 तो इसका राइट आंसर देखिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट तो समझ सी राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 88 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 के बारे में इंडिया अकाउंट ऑफ 3.2% ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 3.2% या अराउंड 2% है स्टेटमेंट सेकंड के बारे में मेनी लोकल कंपनीज हैव सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेजेस ऑफ इंडियास प्रोटेक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम तो ये सही है तो सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट तो द क्वेश्चन नंबर 89 पे कंसीडर द फॉलोइंग The stability of the growth pact of European Union is stated that limits the level of budgetary deficit of the countries of the European Union next to the countries of the European Union to share their infrastructure facility. So here wrong. Enable the countries of European Union to share their technology. So here wrong. How many statements are correct? So statement 1 is only 1. So the question number 90. Question of the first statement. Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first ever compact of international mitigation of global combat of safeguard the order of regulative migration related. So 193 से लगभग 165 countries ने इसको साइन किया था ये रॉन्ग है The objective of the committee the state of GCMs are binding on the union all UN members only तो मैं binding नहीं है ये रॉन्ग है The GCMs it is the international migration of or internationally disputed people also the objective of committee so ye bhi wrong hai to correct answer option number d hai hamne dono with reference to the home guards consider the police statement the home guard are
rest under the Home Guard Act and rules of central government, central government, military government related wrongly. The role of the Home Guard is to serve as the auxiliary force of the police in maintenance of internal security. Internal security means internal security. So prevent infiltration on the international borders or coastal area. The border wing guard, Home Guard of battalion have been raised up to some extent. So that is option number A, one only. So the question number 92 pe. With reference to the India, consider the following PRC about the extremity of the action under the official is covered. Unauthorized wearing of police on military uniform, the Officer Security Act 1920. So, knowingly, misleading of otherwise interfering with a police officer or military officer when engaged in their duty. So, ye, dekhe, wrong hai. Ye, matlab, Indian Evidence Act mein nahi hai, ye, the Official Security Act related ye bhi hai. So, ye wrong hai. So, celebratory one fact, the armed amendment can be endangers in determinant act 219 and others. So, ye bhi sahi hai. Then the question number 93 pe. Consider the following PR. The region is often mentioned in news. The region for the news ke dekhe. So, North Cape and Ituri. Ye bola war between the Armenia and Azerbaijan. Even to क्या बोला देखिए अरब पीस इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय द सऊदी अरब फर्स्ट साइन बाय इजराइल इन अरब लीग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो ये दोनों ही सही है इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी गाइडेंस आंसर है फर्स्ट स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी तो क्वेश्चन 95 पे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द स्पोर्ट अवार्ड्स बारे में तो मेजर डांसर फील्ड ऑफ द अवार्ड For among the spectacular and outstanding performance by the sport person over a period of last 4 years. So yes, say yes. The Arjun Award for lifetime achievement by a sport person. So lifetime achievement many years, last 4 years in the year. So you're wrong. Because Dronacharya Award is a push right. The question is to honor the eminent coaches who have been successfully trained as sport person or a team. So you'll be right. ठीक है राष्ट्रीय खेल खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेड बाय स्पोर्ट पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट तो ये रिटायरमेंट से रिलेटेड नहीं है तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं जो एनजीओ है और जो कॉर्पोरेट एंटिटी रहते हैं जो प्रमोशन करते हैं स्पोर्ट को उनके रिलेटेड है ये भी रॉन्ग है तो राइट ऑप्शन नंबर सी ओनली टू क्वेश्चन 96 पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ 44 Chess Olympiad 2022. It was the first time the Chess Olympiad was held in India. So, official mascot was name of Thambi. The trophy was winning team in the open section of the Bhara Metni Cup. Abhi option 4 kya bol raha tha? The trophy was the winning team was the women's section of Hamilton's Russell Cup. So, ये देखिए इंटरचेंज हो गया है. ये भरा Consider the following PR. The area conflict mentioned in news bola hai, a country in the location bola hai, Donbass, Syria. So, Syria mein nahi hai, aapko yaad rakhna hai, ye Ukraine mein tha. So, Kanchin, jo Ethiopia mein bola hai, ye Ethiopia mein nahi, Myanmar mein tha. And Tigray, ye North Asia mein nahi, ye Ethiopia mein. So, how many of statement PR correctly match bola hai? So, none. So, the question number 98 pe. In recent years, the Chad, Guinea, Mali and Sudan, they have international attention for which of the following Region common from all of them. So, सबके लिए common कौन सा region था बोल रहा है?
डिस्कवरी ऑफ रिच डिपॉजिट ऑफ रेयर एलिमेंट, इस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज मिलिट्री बेस, द साउथ वार्ड एक्सपेंशन ऑफ द सहारा डेजर्ट एंड प्रोसेस ऑफ कुक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस ऑफ कुक हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 99 पे, कंसीडर द फॉलोइंग हेवी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्री, ओनली वन, टू, ऑल थ्री, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑल थ्री होगा इसमें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन होता है, consider the following statements about G20. G20 group was originally established as a platform for the finance minister and central bank governor to discuss the international economic and financial issues. The digital public infrastructure is one of the India's G20 priorities. Which of the following statements are correct? One only two, only both one two, neither one or two. That is also C. Both correct. कुछ भी टेक्नो आप ले लीजिए ये डिस्कशन से इस ईयर से फ्लावर्स। तो आपको अभी कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना पड़ेगा, ताकि क्लियर से क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर है। तो आपको फर्स्ट आपको सब क्लियर से क्वेश्चन आपको करना है, और कुछ भी अगर आपको क्वारी है तो आप मिस क्वेश्चन या सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न है क्या आ रहा है। तो फेस्टिवल बेस से अभी एकदम शिफ्ट हो चुका है, आप फिर से क्वेश्चन करिए का मेन्स का तो आपको समझ आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगा। तो आप पहले आप सिलेबस जान लीजिए, आपके जो रनिंग का हैबिट है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहले क्या था, लक्ष्मी काम जैसे था बिग फोर हम ट्वेंटी का जो एग्जाम है, तो आप देख सकते यूपी से एडमिशन ट्री को ये हटा लिया है, तो आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और आई होप आपके लिए ये सब की पॉइंट आपको याद रखेगा, ये एकदम हेल्पफुल रहेगा। मैं एक लिस्ट बना दूँगा आपको कोचिंग के लिए, अगर आपको कुछ भी क्वारी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।